बस अच्छा बज रहा है, कोशिश कीजिएगा आप आवाज बढ़ा के रखिए, बेस हटा दीजिए आप, इंशाल्लाह मैं हर शेर समझाने की कोशिश करूंगा, बेस खत्म कर दीजिए। हाँ माशाल्लाह, ये लड़का जहाँ भी जाता है शब्बीर भाई के माइक में आप बैठते हैं, अच्छा बजाता है, अल्लाह ताला भाई की उम्र में बरकत फरमाए, जहाँ बैठ जाता है अच्छा माइक बजा लेता है। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, तैयार है आप लोग? कुछ बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे तो मेरे मुझके फायदा होगा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि जब आप एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी जो नेकी है वो नामे आमाल में लिख लिया जाएगा। आप जितनी बार आप यहाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आज मैं इतनी बार सुभान अल्लाह बोलूं कि मेरा नामे आमाल सवाबों से भरता चला जाए, है ना? तो इसलिए तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। जानता हूँ ठंड बहुत है, लेकिन अगर हमारे चाचा लोग दादा लोग है, अगर ये लोग ठंड लगती हो तो लगने दीजिए, लेकिन जवान लोग को कैसी ठंड, जब आप 80 के स्पीड पर मोटरसाइकिल चला सकते हैं तो यहाँ बैठे बैठे नबी के नाम पे हाथों को नहीं बुलंद कर सकते? और ये अकीदा रखिए, जो हाथ नबी की मोहब्बत को उठ जाए, मेरा अकीदा है कि उस हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती है, इसलिए दोनों हाथ उठाएं और कहें या रसूल अल्लाह, दिल को लगा के इंशाल्लाह आज आप अपने बस्ती में नहीं बरेली शरीफ पहुंच जाइए, और बरेली शरीफ वाले बगदाद शरीफ पहुंचा देंगे, और बगदाद शरीफ वाले मदीना शरीफ पहुंचा देंगे, इसलिए दिल लगाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शर्त है कि नबी का दीवाना बन जाए। अगर आप नबी का दीवाना बन गए, वाह वाह वाह, हंसते खेलते जन्नत चले जाएंगे, लेकिन अगर आप नबी का दीवाना नहीं बन पाए तो वाकई में बहुत मुश्किल काम है कि आप जन्नत में चले जाए, इसलिए नबी का सच्चा दीवाना बन जाइए। इसलिए आला हजरत क्या कहते हैं, चल रही है जलन का।
मसलके आला फैजाने मखदूमे सिंगना फैजाने मखदूमे ये पैगाम-ए-रज़ा है।